हेलो दोस्तों, नमस्कार। भारत के भूगोल में फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का। और हम लोग भारत के भूगोल में भारत का सामान्य परिचय देख रहे हैं और आपसे उम्मीद यही कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करेंगे। संसाधन कमी हो सकता है, थोड़ा ब्लर आ रहा होगा, अच्छे से वीडियो नहीं आ रही होगी, लेकिन आप लोग यहाँ से ज़्यादा मेरी बातों को सुनने की कोशिश करेंगे। जो हम बोल रहे हैं उसको ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, बाकी ध्यान देंगे तो ये भी दिखेगा ही। तो आपसे उम्मीद है कि आप लोग सहयोग बनाए रखेंगे और क्लास को ऐसे ही मोटिवेट करते रहेंगे। तो आप लोग से विनती है कि कल का रिवाइज करना है, कल की जो पार्ट वन कक्षा हुई थी कल का रिवाइज करते हैं, फिर आगे का देखते हैं। तो कल के रिवाइज के लिए 1 मिनट का समय दीजिए। तो हम लोग कल का रिवीजन लेते हैं, जो कल हम लोग रिवीजन लिए थे। तो कल का क्या था, कल का हम लोग देखे थे कि भारत किस महाद्वीप में स्थित है। कोई बताएगा इसमें से कि भारत किस महाद्वीप में स्थित है? भारत अगर कोई पूछे कि भारत किस महाद्वीप में स्थित है तो आप लोग बता देंगे कि भारत दक्षिण मतलब एशिया महाद्वीप में स्थित है। एशिया महाद्वीप का दक्षिण एशिया में दक्षिण एशियाई देश है। क्या बोलेंगे कि भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है और जिसकी अवस्थिति है भारत के दक्षिण में स्थित है। जो एशिया महाद्वीप है उसके दक्षिण में स्थित है। दूसरा हम लोग देखे थे कि भारत की आकृति कैसी है। आकृति का मतलब समझ रहे हैं ना, आकृति का मतलब। तो भारत की आकृति जो अगर कोई पूछे तो बता दीजिए कि चतुष्कोणी है। और सेकेंड अगर कोई पूछे उसके बाद कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो बोल दीजिए कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, अक्षांशीय दृष्टि से अगर कोई पूछे कि देशांतरी स्थिति से भारत किस गोलार्ध में है, तो बोल दीजिएगा पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, कोई बोले कि भारत क्षेत्रफल के मामले में किस स्थान पर है, तो बता दीजिएगा 7वां स्थान पर है। हम लोग आगे देखे थे कि भारत 7वें पर, तो बाकी 6 कौन सा कंट्री है, जिसमें आपको देखेगा पहले पर रूस है, दूसरे पर कनाडा है, तीसरे पे आपको मिलेंगे चाइना मिलेगा या यूएसए मिलेगा। आप कंफ्यूजन से बरकरार रहेगा, लेकिन आप यूएसए लीजिए, फिर चाइना ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि चाइना के बाद है आपका ब्राजील, ब्राजील के बाद है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और उसके बाद स्वयं भारत है। उसके बाद हम लोग देखे थे कौन सा क्वेश्चन था, अब भारत जनसंख्या के मामले में किस नंबर पे आता है, तो सेकेंड नंबर पे। पहले पे कौन सा है, चीन है। लास्ट में हम लोग देखे थे कि भारत पूरे विश्व का लगभग 2.4% भूभाग अपने पास रखता है और पूरे विश्व का लगभग 17.5% लगभग 17.5% या 17.4% नियर अबाउट 80% जनसंख्या अपने पास रखता है। तो पूरे विश्व का 2.4% भूभाग और पूरे विश्व का लगभग 17.5% जनसंख्या भारत के पास निवास करती है। और लास्ट में हम लोग देखे थे कि भारत के वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8 हैं और लगभग 28 स्टेट हैं। ठीक है, और आप बता दें कि जो केंद्र शासित प्रदेश बने उसमें ये तो रिवीजन था कल का, आज का जो नया आपको दिखाते हैं। आप लोग देखेंगे कि जो केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं उसमें से जो न्यूनतम स्टेट बना है 26 जनवरी 2020 को 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, जो नवीनतम है दादर नगर हवेली और दमन दीव दोनों को मिला के एक किया गया है। आप लोग देखेंगे कि जो नवीनतम स्टेट बना भारत का वो 26 जनवरी 2020 को दादर और नगर हवेली तथा दमन दीव को मिला के, दोनों पहले अलग हुआ करते थे, ये अलग हुआ करते थे, लेकिन इन दोनों को मिला के एक किया गया है, जिनको लेकर 8 हो गए हैं। और आप देखेंगे कि भारत का क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल, भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है, वर्ग किमी स्क्वायर है। अगर कोई पूछे कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो बता दीजिएगा 32,87,263 वर्ग किमी। और आगे आएंगे देखें कि भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार पे पूछेगा, जैसे ये भारत है, जैसे मान लीजिए ये भारत है, ये भारत है, और कोई पूछे कि भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, आप लोग बोल देंगे कि भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार लगभग 32,214 किलोमीटर। आपको याद करने का 3, 2, 1, 4, तो इधर से करेंगे 3, 2, 1, लास्ट में 4 जाएगा, तो 4 इधर लिखना था, 4 उधर लिखेंगे। फिर आएंगे कोई पूछे कि भारत का पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व विस्तार कितना है, तो बोल देंगे कि 29,33 किलोमीटर। फिर भारत में गांवों की संख्या,
भारत में गांवों की संख्या लगभग 6,40,932, क्या बताएंगे? अगर कहीं एग्जाम पूछ दे कि भारत में कितने गांव बसते हैं तो बता दीजिए कि भारत में गांवों की संख्या लगभग 6,40,932 है। फिर अगर नेक्स्ट आ जाइए तो कोई ये देखिए बहुत फेमस क्वेश्चन है कि भारत से कौन सी रेखा गुजरती है, कौन सी अक्षांशी रेखा गुजरती है, तो लगभग ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। इसको अगर कोई पूछे कि लगभग ये कर्क रेखा है, लगभग शायद 23.5 डिग्री नॉर्थ है ना, भारत से कौन सी रेखा अक्षांशी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा, 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए कि जो ना भारत में 26 जनवरी 2020 लगभग 28 राज्य केंद्र और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सबसे नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन दीव दोनों को मिला के एक किया गया है, पहले ये अलग अलग हुआ करते थे। और आगे देखेंगे भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किमी। नेक्स्ट देखेंगे भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार 3,214 किलोमीटर, भारत का पश्चिम से पूर्व विस्तार 2,933 किलोमीटर, भारत में गांवों की संख्या 6,40,932, भारत से कौन सी अक्षांशी रेखा होकर गुजरती है, कर्क रेखा, जो 23.5 डिग्री है। नमस्कार दोस्तों, फिर आगे कक्षाएं आप लोगों को मिलती रहेंगी। आज के लिए इतना ही, उम्मीद है कि आप लोग प्यार बनाए रखेंगे, क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करेंगे। नमस्कार।